मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग जाने वाले हैं चर्च। मैं एक तरफ नाश्ता बनाने के लिए नूडल्स उबालने के लिए रखती हूँ और बाबू देखिए नहा धो के रेडी खड़ा है और एक तरफ नूडल्स उबालने के लिए रख दी हूँ। मैं ये देखिए एक तरफ नूडल्स उबालने के लिए रख दी हूँ, इसे बना लेती हूँ फटाफट। उसके बाद मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद रेडी होके चर्च जाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस हम लोग रेडी होके अभी चर्च जा रहे हैं, चर्च अटेंड करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अब तक ले बने रहिए। तो गाइस देखिए बाबू जा रहा है आगे आगे अपने पापा के साथ में, दोनों जन मटकते हुए जा रहे हैं मस्तानी चाल में धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं चर्च। गाइस हम लोग चर्च से वापस आ चुके हैं, अब नाश्ता वास्ता करके काम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को चर्च के पास का व्यू नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ बस चर्च के लिए गए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कुछ प्रोग्राम होता है तब की बात अलग होती है। नेक्स्ट टाइम कभी भी बिना मतलब ऐसे ही टाइम कभी भी जाऊँ तो मैं आपको चर्च का पूरा व्यू दिखाऊंगी, मतलब चर्च का एरिया, चर्च का डिज़ाइन सभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो चलते हैं फिलहाल काम करने के लिए और थोड़ा सा चाय गर्म करके पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। गाइस चलिए मैं पहले फटाफट बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं दूसरा काम करने के लिए। तो चलिए मैं बर्तन धोने स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैंने सब्जी बनाने के लिए मसाले पूरे रेडी कर लिए हैं। मैंने इसे ग्राइंडर में नहीं पीसा है, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। प्याज को देखिए मैंने चॉपर की सहायता से इसे चॉप कर लिया है और अदरक लहसुन और मिर्च को भी देखिए मैंने चॉपर की सहायता से चॉप कर लिया है क्योंकि मटन अभी तक लाए नहीं है तो पहले इसे रेडी कर लिया है। और अब इधर एक साइड मैं ले लेती हूँ, ये देखिए यही चॉपर से मैंने इसे चॉप किया था। और मैं रायता बनाने के लिए इसमें 2-3 प्याज, एक प्याज और 2-3 हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर फिर से चॉप कर लूँगी क्योंकि इसमें धनिया पत्ती को मैंने वैसे ही डाला है और मिर्ची को कट कर लिया है क्योंकि मिर्ची स्लिप होने की वजह से ठीक से चॉप नहीं हो पाती है। और ये देखिए एक प्याज है बड़े साइज़ का,
इसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। तो मैंने इसका सिर्फ साइड का निकाल लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले रही हूँ। इसे आप चार टुकड़े में भी करके डाल के ग्राइंड मतलब ये चॉप कर सकते हैं, तो इससे ये अच्छे तरह से बारीक बारीक चॉप हो जाता है। पर मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ और इसे चॉप कर कट करके फिर चॉप कर लूँगी। तो अब मैं इसका कैप लगा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए इस तरह से कैप लगाने के बाद इसका जो हैंडल दिख रहा है ना, उसमें रस्सी लगा हुआ रहता है, तो इसे खींचते हैं तो अंदर का जो ब्लेड रहता है ना वो गोल गोल घूमता है और चॉप होता है। तो ये देखिए मैंने पूरा बारीक चॉप कर लिया है। इसे देख के हो गया ना कितना इजी से जल्दी से चॉप। तो अब मैं इसमें दही डाल देती हूँ और इसका बना लेते हैं रायता। दही डाल के, नमक डाल के, पानी डाल के बना लेती हूँ। उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद हम लोग खाना खा के थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे चर्च में, मीटिंग है 4 बजे से, तो उसके लिए चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में किस किस तरह से रायता बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने घर में ऐसे ही आप लोगों के बताए अनुसार रायता बना के ट्राई कर सकूँ। तो देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया है प्याज वगैरह डाल के। तो देखिए हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे चर्च में और चर्च में खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट होने को मार्केट लगता है यहाँ। तो देखिए मार्केट बाय, गुड नाइट।